जस्ट अभी अभी मैं ड्यूटी पे पहुंचा हूं और ड्यूटी पे पहुंचते ही पूनम जी का कॉल आया, क्योंकि उन्होंने मेरे से बोला था कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाने के लिए, तो मैं भूल गया। तो कोई बात नहीं, मैंने उनको बोल दिया कि मैंने स्विगी स्टार मार्ट से ऑर्डर कर दिया है और बहुत जल्दी वो घर पर पहुँच भी जाएगा, उनको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। और दोस्तों स्विगी इंस्टा मार्ट पर मेगा सेविंग फेस्टिवल चल रहा है और काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैंने वहीं से मंगा दिया। तो चलो आ जाएगा जल्दी, तो मिलते हैं आप लोग से कुछ देर बाद। गाइस, मेट्रो से घर की दूरी मेरी कम से कम 3 किलोमीटर है, तो आज से मैंने ठान लिया है कि मेट्रो से घर, घर से मेट्रो, पैदल आना जाना होगा, इससे थोड़ा सा वेट भी लूज होगा, है कि नहीं? अच्छा किया ना मैंने, टोटल मिला के 6 किलोमीटर होता है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो मैं ड्यूटी से बस अभी अभी मेट्रो से निकला हूँ, तो हमें पैदल चलते हैं और पैदल सुबह आएंगे, सुबह हम पैदल जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, सेहत भी अच्छा रहेगा और थोड़ा सा पैसा भी बचेगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आज से मैं दोस्तों डेली यही करूँगा, इसलिए पसीना भी निकल रहा है खूब। तो बस मैं पहुँचने वाला हूँ, 10-15 मिनट लगे पहुँचने में, 2 किलोमीटर चल गया, 1 किलोमीटर और बचा हुआ है। बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर में घर पहुँचने के बाद आप लोगों से। तो फाइनली गाइस पैदल चलते चलते घर पहुँच गया, गर्मी लगा तो पंखा भी चला दिया, एकदम टावल से मैंने पोछा भी, नहीं थोड़ा चलने तो गर्मी लग रहा है। तो आए तो पता चला ये लोग भी गए थे गोलगप्पे खाने, गोलगप्पे खा के मन नहीं लगता, आर्यन एकदम बोर हो रहा था ना, तो बोला था हाँ दोस्तों टीवी भी नहीं है हमारे घर में ना, इसीलिए नहीं बोला था कि मैं भी मौसी घर चला जाऊंगा। अरुगा देखो ऐसे बोला, अरुगा आरु बोलता है, अरुगा देखो कितना मौज कर रहा है मौसी घर। पैदल चला या पैर डर नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते भी 2-3 बार गया था, वैसे पैदल आओगे जाओगे थोड़ा पेट कम हो जाएगा, थोड़ा सा किराया भी बचेगा और सेहत भी मस्त रहेगा। क्या रहा है, मन नहीं लग रहा है? तो घड़ी में बच गए दोस्तों 7:30। खाना क्या बनाया? खाना पानी है नहीं। हाँ यार पानी पीने वाला है ही नहीं, वैसे तो नहाने वाला पानी जो डिलीवरी करता है पानी का पता नहीं कहाँ गया है, तो कोशिश करते हैं देखते हैं कहीं और पानी मिल जाता तो ठीक है। यहाँ शॉप पे नहीं मिलता है? नहीं यहाँ दुकान भी नहीं रखते हैं, मिलता होगा तो मुझे पता भी नहीं है। दुकान रहता है ये नीचे से दुकान रखते होंगे, पीछे रखते होंगे, जाके देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं पहले पानी पीने का जुगाड़ करते हैं। A few moments later गया था पानी लेने, पानी नहीं मिला, तो मैंने 1 लीटर वाला 3 ले आया ताकि रात में किसी को प्यास लगे तो भटकना ना पड़े भैया। तो 3 बोतल ले लिया, रात तक तो चल ही जाएगा। 1 बोतल आर्यन का, 1 मेरा, 1 उसकी मम्मी का। थक जाते हैं यार, चलो कोई नहीं, जिंदा ऊपर नीचे करेंगे हमारे लिए अच्छा होगा। सो गाइस रात के बज गए हैं 9:15 और घर में पीने का पानी नहीं, तो मैंने पता है बोतल लाया, तो मैंने पूनम से पूछा क्या खाओगी, तो क्योंकि बिना पानी के तो खाना बनेगा नहीं, तो ये 3 बोतल पानी मैंने लाया है, तो ये रात के लिए पीने के लिए, क्योंकि सुबह हुआ रात में प्यास लगता है। तो मैंने दीदी से पूछा कि क्या खाओगी, तो बोली क्या खाएं, तो मैंने इनके लिए स्पेशल रोल मंगवाया है, पनीर शवरमा रोल, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और मैंने जोमेटो से बुक कर दिया है, बस आ ही रहा होगा। और आर्यन जाएगा नीचे पिकअप करने, भैया हम तो नहीं जाएंगे नीचे पिकअप करने ना आर्यन, हाँ वैसे मैं पैदल आया मेरा, और देखिए आँखें से थक गया हूँ, तो रोल आ जाता है खा लेते हैं। और इनका कल का टिकट भी है, टिकट हो गया है, वो कुछ लोग बोल रहे थे मैंने भैया फ्लाइट से निकाल दो, तो दोस्तों हम तो निकाल देते, बट ये मना कर रही थी ना कि इतना पैसा लगेगा क्या फायदा, पैसा किसी का भी हमें फालतू पैसा खर्च करने में बहुत अखरता है, मैं सोचती हूँ अगर से रहेगा तो वो पैसा किसी और काम में आ जाएगा। सही बात है, तो जो हो गया दोस्तों मिल गया टिकट, वही बहुत बड़ी बात है। पहली बार तो टिकट मिल नहीं रहा था, कहाँ से मैंने सोर्स पाइन लगी, सीधे गांव से टिकट बुक कराया है, तो वहाँ से टिकट आ गया है इनका, कल शाम को 6:55 पे निजामुद्दीन से टिकट है। तो अभी भूख लगा होगा आपको, सुबह दोपहर का खाई हो, पानी के चक्कर में ये भी खाना नहीं बनाई,
थोड़ा सा पानी बचा था, मैं आया, मैं पी गया, तो मैं गया फटाफट 3 बोतल लेके आया। अब आता है खा लेते हैं फिर मिलते हैं। हाँ क्यों, बंदा भी नहीं है, किट्टो के घर गई है, थोड़ा बहुत पानी तो आ जाता 4-5 लीटर। चलो आता है फिर, खाओ बताओ कैसा लग रहा है। गया हुआ है डिलीवरी लेने, ये देखिए। यही है, सही है, हर चीज़ आसानी से आ जाती है। क्या आ रहा है खाना, मतलब क्या रोल है, फेमस है, हम कह दीदी को खिला देते हैं। आर्यन दौड़ते दौड़ते हुए आ रहा है, उसे भूख लगी होगी। भूख लगा है क्या आर्यन? हाँ? अरे गया था पानी पूरी, बोली खा लो बोला पेट भरा है मेरे। ये देखो आ गया। तो चलो गाइस खा लेते हैं फिर मिलते हैं, आप लोग को थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो गाइस ये रहा शर्मा रोल और आर्यन के लिए। लो आर्यन, इसमें मेयोनीज है और मिंट सॉस है, खाओ, खा के बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। दीदी को भी देते हैं निकाल के। तो देखिए इधर आर्यन खा रहे हैं, हमने तो खा लिया, इन्होंने भी खा लिया। कैसा था? अच्छा था। अच्छा था ना, पहली बार खाई हूँ, अच्छा लगा है। तो आर्यन कैसा है? अच्छा है, पेट भर के जल्दी। पेट भर के जल्दी खाली तो कर दिए यार। तो सो गाइस आज क्या बताएं, पानी की किल्लत की वजह से इनको बहुत थोड़ा सा तकलीफ झेलना पड़ा। क्या करें, मैं क्या करूं, मैं था ही नहीं और ड्यूटी गया था, तो पानी कोई बात नहीं, हम भी मैनेज करने वाले हैं, कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों हम बाहर से खाना मंगा लिया, मतलब यही है। बाकी दोपहर का बचा हुआ था तो क्या दोपहर खाना खाएं, तो अभी बस पेट भर गया। क्या और कुछ खाना है? अरे बाबू इतना ही नहीं खाया जा रहा था, मैंने आर्यन से बोला कि तुम खाना। आर्यन का भी पेट टंच हो गया। हम लोग खाना बहुत कम खाते हैं बाबा, अगर से एक कटोरी सब्जी रहेगी उसमें हम तीनों माँ बेटे खा लेंगे, उसमें भी बच जाएगा। तो गाइस ये वाला वीडियो यहीं तक, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मैं अभी सोच रहा हूँ इसे पब्लिक कर दूँ, क्योंकि पूनंदी आई हमारे घर पे, भैया इनको दिक्कत झेलना पड़ा, पानी नहीं था तो खाना पीना भी नहीं बना पाई ना खा पाई, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि हमारे घर पे आपको दिक्कत हुई, तो बाहर से मंगा के खाना खा लिया, अब पेट भर गया है, 9 भी बज गए हैं, तो भूख लगेगा तो देखेंगे। दिल्ली शहर है, यहाँ तो 24 आवर्स कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, और कल टिकट भी है, पैकिंग वगैरह उनका उधर हो गया है, तो ज़्यादा इनका सामान भी नहीं निकाले था, तो मोस्टली पैकिंग था ही। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।